वाह, तो आप यानी कब से हैं इधर? मैं तकरीबन 10-15 साल। अच्छा, 10-15 साल से। ये सर लिफ्ट है। अच्छा, इधर भी लिफ्ट। अच्छा, ये लिफ्ट है। अच्छा, उस दौर की यानी। एक मिनट इधर रुकना है। अच्छा, अंदर इधर भी लिफ्ट, उधर भी लिफ्ट। इसमें एक अभी सांप बैठा था सुबह। अच्छा, चला गया है इधर घूमने फिरने। इधर कहीं घूम कर रहा हूँ। अच्छा, देखें 200 साल हो गए हैं इधर को बने हुए। उसी टाइम की ये लिफ्टें लगी हुई है क्योंकि नवाब का बिजली घर खुद का था सर, बाहर बना हुआ। अच्छा, तो जो सांप है इधर वो लड़ता भी है ऐसे? नहीं लड़ता नहीं, वैसे बैठा होता है कहीं। अच्छा, चले सर मैं ये देखूँ कौन है। अच्छा जी, अच्छा 1830 में। अच्छा, और इसके बारे में ये इसका एरिया कितना आपने बताया था टोटल? यानी ये तकरीबन 4 मुरब्बे में 4 दीवारी। 4 मुरब्बे में 4 दीवारी। अच्छा, इसमें आम के बागात भी हैं इनका? मेरा ख्याल असला खाना भी था इसमें। आम के बाग नहीं है। अच्छा, 4 मुरब्बे के अंदर सिर्फ महलात हैं, 7 महल हैं। अच्छा, 3 महल बड़े हैं। अच्छा, और बाकी छोटे छोटे महल बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बंगले नुमा एक महल। अच्छा ठीक ठीक, ये अभी आप जहाँ पर आए हैं ये सादिकगढ़ पैलेस है, डेरा नवाब का डेरा, मेहमान नवाज से। अच्छा, वाइट पैलेस भी जिसको बोलते हैं। और इसकी बैक जो है मुबारक मंजिल है जहाँ नवाबों की रिहाइश है। अच्छा, अभी भी है यानी? अभी रिहायश। अच्छा अच्छा, शुरू से जैसे रिहायश थी ना। अच्छा, 200 साल पहले अभी। अच्छा, तक रिहायश चली आ रही है। अच्छा, वो उसकी तो बैक राहत मंजिल है। राहत मंजिल जहाँ छोटे मुख्तलिफ बीबियाँ रहती थी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, या जितनी पहले भी नवाबों के वो उसमें रहते थे। अच्छा, अभी ये 4 मुरब्बे हैं, 7 महल इसके अंदर हैं। ये सादिकगढ़ पैलेस, मुबारक मंजिल, राहत मंजिल। अच्छा, ये मेन हो गए, बाकी छोटे महल हो गए जदीद मंजिल, शिमला, शिमला टू, कोटरी, बैरके, जनान खाने, हरम सार। अच्छा, अच्छा बैरके भी हैं इधर? ठीक ठीक, फौज की बैरके है ना। चारों तरफ जो है ना महल के चारों तरफ दो हिस्से में ये बैरके हैं फौजों की बनी हुई, 248 कमरे की एक एक बैरक बनी हुई है। अच्छा अच्छा, क्योंकि दो जगह स्टेप हैं, अगर इधर से कोई हमला करे तो एक बाग में बैरक बने फौज। अच्छा, को क्रॉस करे, फिर दीवार क्रॉस करे, फिर आगे एक और 248 कमरे की बैरक वो। अच्छा, क्रॉस करे, फिर नवाब के एरिया में पहुंचे। अच्छा, तो ये अब जो नवाब लोग हैं वो इधर मुबारक मंजिल में भी, ये मुबारक मंजिल में रह रहे हैं। अच्छा, और ये जो ये लॉबी होती थी जिधर ये तख्त लगा बैठते थे, ये नवाब का तख्त है जो बेल्जियम से बनकर आया। अच्छा, बेल्जियम से 250 किलोमीटर की कराची से डेरे नवाब तक पटड़ी बिछाई गई। अच्छा, इसको सिर्फ लाने के लिए, लाने के लिए। अच्छा अच्छा, सही सही। और ये सारा कुछ ओरिजिनल हालत में? ओरिजिनल। अच्छा, ये सर 72 में बंद हो गया ना, बाहर पुलिस वालों का पहरा बैठ गया,
अच्छा। और इनके नौकर जिसके पास चाबी होती थी ना, ये आपस में मिल जाते पुलिस और नौकर। अच्छा। फिर इस महल को ऐसा ऐसा ये चीजें जो है निकालते रहे। अच्छा। फिर नवाबों ने 2004 में जो चोरियां हो रही थी उन्होंने आपस में तकसीम कर दी चीजें। अच्छा। 2004 में इसमें सामान बाहर निकाला गया और खुद बोली देकर खरीद लिया गया। अच्छा अच्छा। तब से ये बंद चला रहे हैं। और ये जो इधर वजह से ये पर्दे भी लगे हैं, ये जो जिस तरह ये पर्दे हैं, ये ओरिजिनल जनवन हालत में इसका। आ जाना एक मिनट, आपने एक और चीज नहीं देखी, ये है जो इधर नवाब बैठता है ना सर। हाँ जी। अभी जहाँ से आप इंटर हुए हैं ना वो देखें बैग। हाँ। सबसे ये सब पहलू वाली बात ये है, बिल्कुल गेट तक नजर आ रहा है, माहौल होगा बिल्कुल वहाँ तक नजर आ रहा है। तस्वीरें इसमें वजीर मुशीर इस तरफ भी बैठे हैं, इस तरफ भी बैठे हैं। अच्छा। वो और जो आर्मी वालों के अफसर बैठे हैं, इतने बड़ी पग वो आर्मी वाले भी पहनते हैं, इतने बड़ी। अच्छा, इस तरह के इस जगह पर बैठे हैं, दो चार इधर बैठे हैं। अच्छा अच्छा। इधर भी बैठे हैं, इस तरफ भी बैठे हैं। नवाब काला बाग आया हुआ है, मेरे पास तस्वीर है, बहुत सारे आए हुए हैं। अच्छा। और इधर ये इनका शैंडिलियर लगा होता था, ये जो ये है इधर फानूस लगे हुए थे, ये उतार के बेच दिया यानी इन्होंने? नहीं बेचा नहीं है, ये सब चीजें खत्म हो गई। अच्छा। ये चोरियां होती रही हैं ना, फिर नवाब ने ये चीजें तकसीम की। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये रियासत में सबसे बड़ा महल। अच्छा। और गैस भी नवाबों की इधर रही है और वफात भी इधर हुई है। अच्छा। आखिरी दिन उन्होंने इधर ही, नवाब सादिक खान ने इधर ही, हाँ नवाब सादिक पंजों की जब मिसाल वफात हुई इस महल में। अच्छा। इधर से वो मिसाल जनाजे को लेकर किला डेरा बन गया। अच्छा। फूल फूल डालते रहे आदमी और इधर से ले दफन सारे बराबर में, हाँ किला डेरा बन गया। फिर नवाब सादिक पंजों के जो वालिद थे उनको भी इधर से ले जाया गया। अच्छा। इस तरह जितने भी नवाब हुए उनको इधर से लेकर किला डेरावर ले गए। अच्छा। ये सर डाइनिंग हॉल है। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल है इधर सारा इनका, यानी खाने छाने का जो मेहमान आते थे और वो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दीमक का तो बड़ा बुरा हाल है। दीमक तो दीमक दीवार को लगी है, बाकी ये लकड़ को नहीं लगी, ये सागवान की लकड़ है। इधर नवाबों की तस्वीरें लगी हुई थी। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है कि दीवार को लग गई और मतलब नहीं लगी। और ये साथ फाउंटेन लगा हुआ था खुशबू के लिए, अर्क इस्तेमाल करते। अच्छा अच्छा। ये स्टाइल की मेहमान आवाज से कमरा है पता चलता जाएगा बिल्कुल किचन। और ये अब हम आगे वापस उधर, ये देखें ये डेरा हो गया नवाब का, सिर्फ डेरा मेहमान वास्ते सिर्फ डेरा हो गया। अच्छा। ये दीवार हो गई डेरे की, हाथ हो गई आगे दूसरा महल हो गया जहाँ नवाबों की रिहाइश हो गई। अच्छा। वो अभी भी है मुबारक मजा। फिर दीवार राहत, फिर दीवार नौ लखा बाग और उसमें सादिक मजा। अच्छा। ये चार मुरब्बे में चार दीवारी है सर, और इसके अंदर एक दूसरे महल को नीचे से कनेक्ट है। सही सही सही। नीचे से बेसमेंट से एक दूसरे महल को भी जा सकते हैं जितने मैंने बताया। और बाहर बाग चारों तरफ चार चार मुरब्बे के बाग बनाए गए हैं। ये नवाब के घर से आने जाने का रास्ता था। अच्छा। सही सही। तो इसका मतलब बेसमेंट में जाने का रास्ता, इधर से सारे महलों को नीचे से रास्ते 50-40 कमरा नीचे बैंक। अच्छा, नीचे बैंक भी है। जी, बैंक दूसरे महलों को रास्ता। नीचे तो अंधेरा होगा टोटल, है ना? अंधेरा, चमगादड़ और सांप इधर ना बैठा हो तो फिर मुझे उससे खतरा हो जाता है। अगर इधर बैठा होता है फिर मैं इजी इधर उधर घूम रहे, क्योंकि छोटे सांप होते हैं। जब वो इधर उधर होता है तो काल मुझे देख रहा था, मैंने उसको देखा, जबान निकाल रहा था, लाल तरह की उसकी गर्दन थी, बाकी पीले रंग का था। काल मैंने उसको काफी देर देखता रहा,
मैंने कहा अभी कहीं गया है, आज दिन सुबह मैंने देखा है बैठा था, अभी एक घंटा दो घंटे हो गए उसको इधर, तो इधर डसा भी कभी वो किसी को, इधर से चला जाता है कभी इधर से जाता है कभी उस सीढ़ी से ऊपर दूसरे मंजिल निकल जाता है। अच्छा अभी ये बोलो यहीं को कहाँ, ये देखे वो नीचे बेसमेंट है। हाँ बिल्कुल, ये चौकीदार का दफ्तर। अच्छा अच्छा वेरी हॉन्टेड। और अब्बास खान अगर अब्बास भी लगे ये बड़े किसान है आजाद पसंद और सैयद बादशाह, ये आवाज किस चीज की है? ये चिमगादड़ है। अच्छा मैको सांप की भी होती है ना आवाज, एक हजार सांप हुकूमत की है ना बहुत ये अब हम एंट्री पे ही आ गए हैं जहाँ से हम आए थे। आ जाना सर। अच्छा अभी बैठे एक मिनट सिट डाउन, ये देखे ना जहाँ से ये बननी है। अच्छा ये तो है भी बॉम्बे, बम्बई जर्मनी की बनी हुई है। ये जो कंडीशन है सारा कुछ ये जर्मनी का बना हुआ है। अच्छा। और बम्बई जो है ना उसमें और उधर से खरीदी है नवाबों ने बिल्कुल बनाने वाले, क्योंकि इसमें जितना काम हुआ है फर्नीचर जो भी काम हुआ है ये इंडिया वाले थे जो बनाने वाले थे। अच्छा और सामान जो है बर्तानिया से मंगाया गया। अच्छा अच्छा एक आपने बात नहीं बताई, इधर सांप जो है वो लड़ते हैं, चमगादड़े भी पड़ती हैं वैसे मतलब? शायद चमगादड़े नहीं पड़ती। अच्छा सांप है जब तक पाँव ना चला जाए फिर वो कुछ नहीं कहता। अच्छा मतलब अगर इधर आता है बिलफर तो इधर से उधर वो चला जाएगा भागेगा। मिला है अच्छा, आपने सांप देखना है तो हमें सफर करना पड़ेगा, मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं हमें नहीं देखना। नहीं नहीं वाकई सांप का तो जरा खतरा होता है ना, डस जाए। वैसे काटा है कभी किसी को आज तक इधर जितने लोग? अच्छा अच्छा एक और बात बस बता दीजिएगा ये भी जरूर के ये कौन सी जगह? ये जो पटरी है इस पर सांप ऐसे इधर से भी चलता है। अच्छा ये नहीं देख के बंदा है उसकी लाइन इधर से भी देखी है। अच्छा। अभी वो उधर नहीं बैठा शायद लिफ्ट से भी नीचे चला जाता है। अच्छा उधर से नीचे जाकर फिर इधर उधर घूम। सांप छोटे हैं इधर बड़े तो नहीं है? बड़े बड़ा सांप है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा बहुत बड़ा सांप है, बड़ा बेहतरीन सांप है वो जो। अच्छा अभी काटा किसी को नहीं है। उसको मैंने एक आदमी से 1000 का लिया। एक आदमी से 1000 का पहले मैंने उसको बेच दिया। अच्छा फिर इधर से वो ले गया कुछ अर्से के बाद, तकरीबन 3 दिन के बाद। अच्छा
फिर मैंने उसको कहा यार वो उसने 500 रुपये में लिया था उसने 500 300। फिर मैंने कहा यार वो सांप मुझे वापस करो। अच्छा जो मुझे मैंने कहा इधर बात कर रहा था बेचा 1000 देना पड़ा। वो भाव को करने वाला था जो आदमी पकड़ कर लेगा, उसने कहा मैं आगे बेच दिया। फिर उसके मैंने 1000 का लेखा वो इधर आकर फिर उसको छोड़ा। अच्छा 3 दिन का भूखा था वो। जब मैंने छोड़ा तो वो ऐसे ऐसे चला हल्का। जब उसको इसकी महक मिली उसने कहा मैं अपनी असली जगह पर आ गया। फिर वो तेज से घूमता हुआ फिर लिफ्ट में चला गया। अभी 3-4 साल से मेरे साथ। अच्छा यानी आपको फिर देख के ही आपके साथ कोई हो तो फिर नहीं पड़ता नहीं है ना किसी को कहीं कभी नहीं। अच्छा एक ये बात बताइए इधर जिस तरह ये झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इनका क्या चक्कर है, ये खुद डाली रस्ते पर? अच्छा आपने खुद ही किया हुआ है? क्योंकि एक ताला लगा हुआ है मैं उधर से ऊपर नीचे ले आता हूँ बाकी रस्ते बंद। अच्छा भाई ऊपर ना कोई चला जाए पीछे घर है ना वो होंगे। अच्छा सही सही ये सर उसी तरह की होगी। ये जो है ना सर ये नवाब का बिजली घर अपना था ना बाहर ये हम तीसरी मंजिल पे आ गए जी। ये हाँ हाँ ये सर 24 बेडरूम इस पोशाक में। अच्छा ये सारे मसाले बेडरूम में। ठीक है सही 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 ये बाहर वाले देख ये सारे बेडरूम ये सर ड्रेसिंग रूम ये वॉशरूम और ये सामने कौन सा महल है जी ये जो नजर आ रहा है? अच्छा अच्छा वाह जी वाह ये सर मस्जिद है। अच्छा ये मस्जिद है वाह जी वाह और बहुत ही खूबसूरत ये वाटर टैंक है। अच्छा ये वाटर टैंक है ठीक 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 सही बहुत ही खूबसूरत है इधर से जो व्यू है ना सर ये महल वीरान है खूबसूरती इसमें सारे महलों से ज्यादा। तो इसको क्यों नहीं है जो अब नवाब लोगों की फैमिली है इसको क्यों नहीं करती मतलब इस पे पैसे अगर लगा ले ये है जो अभी आपस में वो नहीं हो रहा उनका। अच्छा इत्तेफाक पूरा नहीं हो रहा भी जिस वजह से ना गया इत्तेफाक तो ये तो बन जाता हाँ मतलब सफाई इसकी कराएंगे जो इधर है सफाई सिर्फ कराते हैं हम जो कि अभी इस तरह आते रहते हैं ना। अच्छा नवाब हो गए उनकी जल जो है हम नहीं खोलते मैंने दार ना मैं रखा मैंने अपनी तरफ से अपनी लालच में सही 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 तो दूसरी से वरना जाता परमिशन ना हो। अच्छा निकलते हैं ये कालीन भी ओरिजिनल ही है जी ये जो वो सामने भी उसी टाइम का कालीन बिछा हुआ। अच्छा वो भी जो रास्ता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दरवाजा बंद था हमको मालूम था ये दरवाजा है सर। अच्छा ये दरवाजा है ठीक ठीक ठीक। अच्छा इसके बारे में एक और चीज भी बताएगा यहाँ ये क्या चीज है सामने चलेगा मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ इधर। अच्छा अच्छा ये था अभी इधर हो रहा अभी बैग देखें बैग देखें ये कैसे है। हाँ एंड वहाँ तक नजर आ रहे हैं एक ही उन्होंने एंगल में रखा है कि वहाँ तक कमरे में ये चीज देखने वाली वाकई इस कमरे से यानी पूरी नज़र के आप दरवाजे खुले हों तो वहाँ तक जो है ना नज़र रहे ये तो वाकई। और ये है जी अच्छा पर्दों की लीरे रहे सर वो बिजली घर है नवाब का अपना बिजली घर वो टावर जो ठीक 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 ये बिजली घर। अच्छा अच्छा ठीक 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 ये इनका आ गया वो ये क्या है छोटा सा ये वॉशरूम है ये भी अगले दिन मैं आया था वो गुलजार महल देखने तो मैं उधर पहुंचा महल के अंदर वो सिपाही खड़े थे फुलू अंदर हम जाने देते थे मैं एक बार बात करूँ फिर मेरे पास नंबर होते हैं ना बहुत सारे बातें हैं मेरे पास फिर एक ये था उसको फोन किया था
था, मैं घर में टाइम दिया, आपकी फैमिली तो मैंने बेहतरीन मुंबई थी। फिर उसने कहा कि अब मेरी बात करो, फिर बात करो। अभी दरबार ये सात प्राण थे। वाह जी सुभान अल्लाह। सर वहां से गर्मी में आए हैं। अच्छा कभी नेक्स्ट टाइम फिर है सर्दी के मौसम में, फिर आप इतना महल दिखाऊं जो सारे महल भावलपुर वाले आप। अच्छा तो चीजें भी बेबहा देखो, सारे महल की उधर इकट्ठी करे तो हमारे पास जाते हैं। नहीं भावलपुर हिस्ट्री तो बड़ी है। हाँ वो बड़ी है सर, नवाब ये इधर है ना, उनका गढ़ ये सादिक गढ़ पैलेस है, गढ़ नहीं है नूर महल महल दरबार महल वो कल देख के आए। हाँ जी बिल्कुल, इसमें महल नहीं है, इसमें सादिक गढ़ पैलेस। पैलेस ज्यादा होता है, महल कम होता है, उसका दर्जा कम होता है। बिल्कुल जो गढ़ का नाम आया पैलेस का नाम आया, वो पैलेस का दर्जा ज्यादा होता है। ठीक ठीक। अच्छा एक इसके बारे में बड़ी बातें भी हैं, ये देखें चार दीवारी है ना वो बाहर वाली, हाँ यहाँ पर गेट है। हाँ जी। ये चार दीवारी है चार मुरब्बे में। अच्छा सामने जहाँ खजूर दिख रही है वो है शालामाला बाग, और उसमें 8 एकड़ में अल अमान कोठी, नवाब के अंग्रेज भी उसमें रहती। अच्छा। चार मुरब्बे इस दीवार की ओर है नर्सरी बाग। हमारे एक बाग का आपके पास गुलजार महल है जितना। अच्छा। हमारे पास एक बाग का एरिया है, पीछे है नौलखा बाग और दफ्तर वाला बाग। चार मुरब्बे में चार दीवारी, इसमें पैदल के रास्ते बेसमेंट में से, बागों में जाने के लिए बेसमेंट में से कार का रास्ता। अच्छा ये बात को पूरी गौर से सुना है ना, कार का रास्ता। हाँ अच्छा अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड से जाएंगे वो खजूर दिख रही है वो दूर वाली। हाँ जी हाँ जी बहुत दूर है बिल्कुल। हाँ, इसके आगे है वो महल, उसके दरमियान में हम जा निकलेंगे। इतने अच्छा, दूर महल आ जाए। ठीक ठीक ठीक। इतना दूर हम जा निकलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक। चार अंदर से। अच्छा मैं आपको नीचे बेसमेंट में भी मैं आपको अभी हल्का सा झलक। हाँ जी बस रहा जल्दी हो जाए। हाँ वो सर खुद बाहर से हल्का सा झलक दिखाइए जो आपको अंदाजा है, कभी मैं आपके पास आऊँ तो आपको अंदाजा होगा कि इसके पास हमसे ज्यादा चीजें हैं। इसलिए वो कोशिश करता हूँ जो आदमी देखे। ये भी ओरिजिनल दीवारें हैं सर, ये बटन बिजली वाले पहले दौर के बटन लगे हुए हैं। सही। अच्छा एक जरा बात इस महल के जो बारे में ज्यादा मशहूर है, हमने भी सुनी वैसे भी इधर, मतलब मगरिब के बाद अगर आओ या इधर, मतलब जिन भूत साए असरात इस तरह की हैं चीजें। मैं 15 साल से किलेदार हूँ। अच्छा मैं सांप रोजाना सांप को देखता हूँ। अच्छा नए नए सांप की चिमगादर देखता हूँ और तरह की चीजें देखता हूँ, ये कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा हाँ मैंने कहा इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं कि ये दूसरी चीजों के बारे में से ज्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल जो इधर होता है बिल्कुल वही बता सकता है। क्यों जो ये कहते हैं आवाज़ें वो चीज़ें होती हैं, एक कुछ नहीं होता। मैंने एक दफ़ा इधर एक जिन देखा है। अच्छा वो अभी मैं अपनी ख्वाहिश पर देखा है। अच्छा कि गेट पर बैठता था, धूप का टाइम था तो मैं क्योंकि इधर रहता हूँ ना अकेला, पर कभी कभी नमाज पढ़ता, मैंने कहा अल्लाह आपका ये जिन कैसे होते हैं। फिर एक दफ़ा इधर से वो हवा का छक जो होता है वो इधर से गुजर रहा था सड़क के ऊपर से, जिंदगी में एक दफा देखा। अच्छा वो गुजर रहा था सड़क से, जब वो सड़क क्रॉस करने लगा तो वो झोंका ऐसे तरह होता 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 एक बारीक सा खंभे नुमा होता गया। खंभे नुमा होकर बहुत बड़ा जितना आधे खंभे तक उसके मुझे ऐसा मालूम कि कोई मुझे देख रहा है, एक आदमी की शक्ल में बहुत बड़ा खंभे जितना ऊपर और मुझे देख रहा है। पर मैं उसको गौर से देख रहा हूँ जो ये क्या है, और देख रहा था बस खत्म वो फिर हवा ये कुछ नहीं होता। कई दफ़ा मैंने वो शहर की मक्खियाँ देखी हैं जो इकट्ठे हो जाती हैं, जब वो इकट्ठे हो जाती हैं तो आदमी को इधर लगे तो ऐसा लगता है किसी ने चमड़ा बस इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बाकी वो नहीं होती। वो मैंने नहीं देखी, यानी ये तो आपने खुद देखा। सांप हैं, गिद्दड़ हैं, से हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो क्योंकि जब तक अल्लाह का ना हो तो वो चीज भी कुछ नहीं है। ठीक हो गया।
ये देखें, ये बेसमेंट है, दरमियान में बेसमेंट बनी हुई है, इसमें भी 50-40 कमरा दरमियान में बेसमेंट बनी हुई है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये था, ये बैक वाले महल है मेरे पास। अच्छा, आगे वो लोन वगैरह देख रहे हैं, ये समर हाउस हो गया, बालकोन हो गई, ये सारे टेलीफोन अच्छे हैं, आगे डबल मंजर सिनेमा, सिनेमा की मस्जिद, इस तरह के चारों तरफ बागों में मैं उधर बागों में जाने के लिए बेसमेंट में। ये हम बेसमेंट में जाते हैं, यानी हम यहाँ से भी। अच्छा, ये सीधा बेसमेंट। इसके बड़े सुने, बड़ी ये के इसके बारे में बातें सुनी, तो हमने कहा आज इसके बारे में देख के आए, सब जान के आए कि क्या है असल, क्योंकि लोगों का तो ऐसे ही मतलब झूठ मूठ भी। नहीं, झूठ नहीं, मैं जो चीज़ आप मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सही कहा। ये लग रहा है खौफनाक है। ये कर देख के ना निकलते हैं पूछो गाड़ियों की तरफ, और फिर चले। चले मैं नहीं, आपने इधर से आना है ना है? आप सर ने इधर से आना, आ जाए सर, मैं आपके साथ हूँ सर, मैं आगे जाऊंगा ना, आगे आगे जाऊंगा सर, आ जाए, कुछ नहीं है सर, आ जाए सर, ये सर टीचर है, आ जाए, इसने अभी शादी नहीं की है, चले आगे आ जाए, बहुत जल्दी में जाएगी, चले सर, ये सर मेजे हैं बाहर, सांप जो चलते हैं, कभी आपने उनको चलता नहीं देखा है, फिर ये है, ये सांप इधर इधर साइड से चलते हैं, इधर से और इधर से, ये सर बैंक था नवाब का। अच्छा, ये देखे ना, तो इतनी चीजें फिर नहीं मिलेंगी ना, ये लिखा हुआ इंग्लैंड के बैंक थे सर, लॉकर थे ये, बिल्कुल। चले सर, आ जाए, ये सांप का निशान पड़ा है ये, आ जाए सर, ये तो इंतहाई जिसे कहते हैं ना, सही। ये सर बैंक। अच्छा, ये जो ये होती थी उनकी, यानी ठीक 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 मगर आपने सांप का ध्यान रखना है मेन, तो हमें देख कर आगे लेके जा रहा हूँ ना सर, क्योंकि आप इधर बेहतर जानते हैं, ये हमें ये सारे तिजोरियां। हेलो क्यों, हेलो, हाँ वही वाकई इधर भी होनी है, होने वो सामने नजर नहीं आ रही, आ रहा क्या, आ रहा क्या, हाँ आ गया सर, एक चिंका हाँ वो चले आ जाए, नहीं मैं बस ये आगे जाएंगे इधर से, अच्छा वापस नहीं आना है, मैं ताला लगा दिया उसी से पूरा सानू, यानी है आज। अच्छा, मैं वैसे नहीं पढ़ती है चमगादड़े, नहीं पढ़ती, ये मैं आप ये देखें, ये सांप इधर से गया है, ये सांप लगा दिया ना सांप, हजार का टाइम हुआ है वो बता रहे हो, बस इजी हो के आप चलते जाओ, मैं वो सब देख कर जा रहा हूँ ना, तो शायद मैं इधर उधर बैठा हो, आ जाओ चले आप, कोई नहीं चलते हैं।
ये मैं इधर वीरान की मैं ज्यादा नहीं ले जा रहा, फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ नहीं नहीं फिर आएंगे लाजमी सारा। बिल्कुल जी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा, ये दूसरा कारण उनको रस्ते थे सर। अच्छा अच्छा वाह जी वाह। क्या हाल हुआ है? अच्छा इधर से जाना है। सांप कहाँ गया? इधर से तो आया। ये देखें साहब, ये सांप देखा है? इधर घुमा फिरा है। बाबा देख लिया है ना आपने, फिर क्या करे? एक दफा सांस नीचे ऊपर हो जाता है ना।